चिड़िया और हाथी का युद्ध। किसी वन में तमाल के वृक्ष पर घोंसला बनाकर चिड़ा और चिड़िया रहते थे। समय पाकर चिड़िया ने अंडे दिए और जब एक दिन चिड़िया अंडे से रही थी तब चिड़ा उसके समीप ही बैठा था तो एक मदोन्मत हाथी उधर से निकला। धूप से व्याकुल होने के कारण वह वृक्ष की छाया में आकर बैठ गया। उसने अपनी सूंड से उस शाखा को तोड़ मरोड़ दिया जिस पर उनका घोंसला था। इससे चिड़िया और चिड़ा तो किसी तरह उड़कर बच गए, किंतु घोंसला नीचे गिर जाने के कारण उसमें रखे अंडे चूर चूर हो गए। यह देखकर चिड़िया विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर कठफोड़वा वहां आ गया। परिस्थितियों को समझकर उसने कहा, अब व्यर्थ में विलाप करने का कोई लाभ नहीं। जो होना था वह तो हो चुका, अब धैर्य धारण करो। चिड़िया बोला, आपका कहना तो सही है, परंतु उस मदोन्मत हाथी ने अकारण मेरे बच्चों का विनाश कर डाला। यदि आप मेरे सच्चे मित्र हैं तो उस हाथी को मारने का कोई उपाय सोचिए। आपका कहना उचित है, यदि मित्र विपत्ति के समय काम न आया तो फिर उस मित्र का क्या लाभ। अच्छा, अब आप लोग मेरी बुद्धि का प्रभाव देखिए। मेरी वीणारव नाम की एक मक्खी मित्र है, मैं उसको बुलाकर लाता हूँ, उसके साथ मिलकर उपाय सोचेंगे। मक्खी ने आकर जब सारा समाचार सुना तो बोली, ठीक है, हम लोगों को इसका उपाय करना ही चाहिए। मेघनाथ नाम का मेरा एक मेंढक मित्र है, मैं उसको यहाँ बुलवा लेती हूँ। इस प्रकार जब वे चारों एकत्रित हो गए तो मेंढक ने कहा, कुपित जन समूह के समक्ष वह हाथी है ही क्या, आप लोग मेरे कहे अनुसार कार्य कीजिए। मक्षिके, तुम दोपहर के समय उसके कान के भीतर बैठ जाना और वहां जाकर मधुर मधुर वीणा की भांति स्वर करना। उसको सुनने के लोभ में वह हाथी अपने नेत्र बंद कर लेगा। तब अवसर पाकर मित्र काश कट्टू उसकी दोनों आंखों को निकालकर उसको अंधा कर देगा और अंधा होने पर जब वह प्यासे व्याकुल होकर जल की खोज में निकलेगा तो मैं उस समय किसी गहरे गड्ढे के समीप अपने परिवारजनों के साथ मिलकर टर टर शब्द करूंगा। हमारे शब्द सुनकर हाथी उसे सरोवर समझकर उसमें प्रविष्ट होगा और गड्ढे में गिरकर मर जाएगा। ऐसा ही किया गया और हाथी का प्राणांत हो गया। यह कथा सुनाकर टिटप भी बोली कि हम लोगों को भी संघ बना लेना चाहिए, इस प्रकार हम भी अपने यत्न में सफल हो सकते हैं। तदनुसार टिटिब, सारस और मयूर आदि पक्षियों के समीप गया और उसने उनको अपनी व्यथा कह सुनाई। उन लोगों ने परस्पर विचार विमर्श किया और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे स्वयं समुद्र को सुखाने में असमर्थ हैं, किंतु गरुड़ राज हमारे स्वामी हैं, हमें उनके पास जाकर निवेदन करना चाहिए। तीनों गरुड़ के पास गए और अपना सारा दुख उनके सम्मुख निवेदन किया। उसने सोचा कि यदि मैं ही इनकी रक्षा नहीं कर पाया तो ये फिर मुझे राजा क्यों स्वीकारेंगे। वह क्रोध में बड़बड़ाया, मैं आज ही समुद्र को सोख कर रख दूंगा। उस समय भगवान विष्णु के दूत ने आकर कहा, भगवान नारायण ने आपका स्मरण किया है, वे इसी समय किसी विशिष्ट कार्य से अमरावती जाना चाह रहे हैं। यह सुनकर गरुड़ ने कहा, भगवान मुझ सरीखे क्रुभुत्य को रखकर क्या करेंगे, उन्हें मेरा नमस्कार कहना और कहना कि वे मेरे स्थान पर किसी अन्य की नियुक्ति कर लें, जो स्वामी भुत्य के गुणों को नहीं जानता उस स्वामी की सेवा में रहना उचित नहीं। नौकर ने कहा, वैंते इससे पहले तो कभी आपने इस प्रकार नहीं कहा, आज ही भगवान ने ऐसा आपके साथ क्या कर दिया है।
भगवान के आश्रय होने के कारण समुद्र ने आज ही मेरी प्रजा टिटिब के अंडों का अपहरण कर लिया है। यदि भगवान उसको उचित दंड नहीं देते तो मैं उनसे दास्ता करने को तैयार हूँ, मेरा यह दृढ़ निश्चय है। दूत के मुख से गरुड़ का समाचार सुनकर भगवान नारायण ने सोचा, उसका क्रोध करना भी उचित ही है, चलो मैं स्वयं ही चलकर उसको ले आता हूँ। इस प्रकार भगवान रुक्मपुर में गरुड़ के घर पर जा पहुँचे। गरुड़ ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर बताया कि उनका आश्रय होने के कारण समुद्र ने उनके भृत्य के अंडों का अपहरण कर लिया है। मेरे कार्य से कहीं श्रीमान का अपमान ना हो जाए, विचार कर अब तक मैंने उसका शोषण नहीं किया है। यह प्रसिद्ध है कि स्वामी के भय से कोई उसके कुत्ते को भी नहीं मारता। भगवान बोले, तुम ठीक कहते हो, अतः मेरे साथ चलो, समुद्र के पास चलकर टिटिब के अंडे को उसे वापस दिलवाकर वहीं से अमरावती को चल देंगे। इस प्रकार गरुड़ को लेकर जब भगवान समुद्र के पास गए तो उन्होंने अपना धनुष तान कर समुद्र को सुखा देने की धमकी दी तो उसने टिटिहरी के अंडे वापस लाकर दिए। इस कथा को सुनाकर दमनक ने कहा, शत्रु के बल विक्रम को जाने बिना उससे वैर नहीं ठानना चाहिए। संजीवक बोला, मित्र मैं यह कैसे विश्वास कर लूं कि पिंगलक मुझसे रुष्ट हैं और मुझे मारना चाहते हैं, क्योंकि अभी कल तो वे मेरे प्रति अत्यंत स्नेह भाव रखते थे। इसमें अधिक जानने को है ही क्या, यदि आपको देखकर उनकी भौहें तन जाएं और वह अपनी जीभ से अपने होंठ चाटने लगे तो समझ लेना कि मामला टेढ़ा है। आप मुझे आज्ञा दो, मैं चलता हूँ, किंतु इस बात का ध्यान रखना कि मेरा यह रहस्य किसी पर प्रकट नहीं होना चाहिए। यदि संभव हो तो संध्या समय तक यहीं से भाग जाना, क्योंकि कहा भी है कि कुल की रक्षा के लिए कुल का परित्याग कर देना चाहिए, जनपद की रक्षा के लिए ग्राम का परित्याग कर देना चाहिए और आत्मरक्षा के लिए देश का परित्याग कर देना नीति संगत कहा गया है। प्राण पर संकट आने पर जो व्यक्ति धन आदि के प्रति ममता रखता है उसके प्राण चले जाते हैं, और प्राण चले जाने पर धन तो स्वतः ही विनष्ट हो जाता है। इस प्रकार संजीवक से बात करके दमनक कर्टक के पास चला गया। कर्टक ने जब उसको अपनी ओर आते देखा तो आगे बढ़कर उसका स्वागत करते हुए पूछने लगा, कहिए क्या कर आए? मैंने नीति भेद का तो बीजारोपण कर दिया है, आगे भविष्य ही बताएगा। क्या क्या किया है? अपने असत्य भाषण के द्वारा उन दोनों के मध्य एक प्रकार का भेद उत्पन्न कर दिया है। अब तुम उन दोनों को एक स्थान पर बैठकर बात करते हुए नहीं देख पाओगे। तुम नीति शास्त्र को नहीं जानते। शत्रु और रोग को उत्पन्न होते ही जो व्यक्ति शांत नहीं कर देता और बाद में उनके बढ़ जाने पर उन्हीं के द्वारा मारा जाता है। हमारे मंत्री पद को छुड़ा देने के कारण यह संजीवक हमारा शत्रु है। दूसरी बात यह भी है कि यदि पिंगलक द्वारा मारा गया तो हमारा भोज्य बनेगा, इसके साथ ही हमारा मंत्री पद भी हमको मिल जाएगा। इस प्रकार हमें तो सब भांति इससे लाभ ही लाभ है। इस प्रकार चतुरक नाम से श्रृंगाल को कोई समझ नहीं पाया था और उसने अपने समस्त शत्रु को परास्त करके अपना स्वार्थ साधन भी कर लिया था।